So hello guys, and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video, in the morning bite series, hum log baat karne wale hain about a unit membrane bound organelle, that is lysosome. Samajh lijiye ki aapka ek bahut bada cell hai aur uske andar kuch lysosomes present hai. Agar wo lysosomes rupture ho jaye, agar un lysosomes ki membrane khatam ho jaye ya fir phat jaye, और सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम के अंदर थे, अगर वो साइटोसोल में रिलीज हो जाए तो वो एक सेल को कितना डैमेज कॉज कर पाएंगे, इस बारे में आज का हमारा लेक्चर है. सो प्लीज मेक श्योर कि इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को आप पूरा देखें, अच्छे तरीके से समझें और अच्छे तरीके से कंसेप्चुलाइज भी करें. सो गाइज, अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां पर मेरी सारी वीडियोज के फ्री लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, एज वेल एज काफी बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आ पाती तो अल्टीमेटली मैं आपको अपना वीडियो का जो लिंक है वो आपके पास शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपकी कोई भी लेसन मिस ना हो. सेकेंडली, हमारा दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पर जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा. एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और आप दोस्ती यारी बातचीत करना चाहते हैं तो आप विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. बात करते हैं मॉर्निंग बाइट के एक और अनोखे सेशन की, जहां पर हम चाय की चुस्कियों के साथ रोज एक कंसेप्ट को समझते हैं, रोज एक कंसेप्ट को एनालाइज करते हैं और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की भी कोशिशें करते हैं. तो लाइसोसोम जो है मेरे दोस्त, इसके अंदर आपके डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप कहते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके प्रेजेंट होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपका जो लाइसोसोम है इसके ऊपर लगे रहते हैं प्रोटॉन के पंप, यानी यहां पर एक ऐसा जुगाड़ है, ये जो आपका लाइसोसोम है इसके ऊपर एक ऐसा प्रोटॉन का पंप है जो कि प्रोटॉन्स को लाइसोसोम के अंदर फेंकता है. और ये क्यों आवश्यक है, यह इसीलिए जरूरी है कि जब आपके प्रोटॉन साइटोसोलिक एरिना से आपके लाइसोसोम के अंदर आएंगे तभी आपका लाइसोसोम अपना पीएच मेंटेन कर पाएगा. अगर लाइसोसोम के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब यह है कि आपकी एसिडिटी भी बढ़ेगी, और अगर आपकी एसिडिटी बढ़ी तो आप ये कह सकते हो कि आपके लाइसोसोम के अंदर का पीएच कम हो गया, बिकॉज मोर द एसिडिटी लेसर विल बी द पीएच. लाइसोसोम को अपने सारे काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक 5 पीएच मेंटेन करना पड़ता है. अगर ये 5 पीएच मेंटेन नहीं है तो लाइसोसोम के जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं या फिर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं और आपके काम नहीं कर पाते. आप समझ लो ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर काफी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो मैं आपको ब्लू कलर से बनाकर शो कर रहा हूं. लेट्स से दिस स्टार मार्क्ड थिंग्स आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. तो अब क्या हुआ, जैसे ही दोस्तों आपका लाइसोसोम फटेगा, जैसे ही लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फटेगी, क्या होगा, ये आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. एज कंपेयर टू द एरिना दैट अ साइटोसोल ऑक्यूपाई, अगर आप साइटोसोलिक एरिना देखोगे तो सेल बहुत बड़ा है और उसके अंदर लाइसोसोम आपका बहुत ही छोटी प्लेस जो है आपकी अटेन करके रखता है. लाइसोसोम कंपैरेटिवली सेल के कंपैरिजन में इससे भी थोड़ा छोटा होता है, वो तो हम थोड़ा सा इसे बुक में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये दिख जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि किस तरीके से लाइसोसोम की ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. अदरवाइज एक एक सेल के अंदर आपके जो बड़े सेल्स रहते हैं, लार्ज यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, उनमें 200-300 के आसपास भी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाते हैं. सो अल्टीमेटली इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू कंसेप्चुलाइज दिस थिंग्स इन डायग्राम्स, इसीलिए बहुत कम ऑर्गेनेल बनाई जाती हैं और बड़ी बनाई जाती हैं जिससे आपको समझाया जा सके. अदरवाइज एक लाइसोसोम का अगर आप साइज देखोगे तो वो साइटोसोल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं. ओके, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि लाइसोसोम का साइज बहुत कम होता है. यह अपने इमीडिएट सराउंडिंग की चीजों को ही क्या कर सकता है, हाइड्रोलाइज कर सकता है. यानी यह एंजाइम समझ लो आपका एक्टिवेटेड है, यह एंजाइम आपका एक्टिवेटेड है. बाहर जो पीएच है यह आपका समझ लीजिए नियरली न्यूट्रल पीएच है, आपका 7 से 7.5 के आसपास आपका पीएच यूजुअली रहता है. यहां पर अगर यह साइटोसोलिक एरिना है तो यहां पर आपका यूजुअली न्यूट्रल पीएच के आसपास देखने को मिलता है नॉर्मल ऑफ द केसेस. अब यहां पर क्या हुआ, यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम अगर आपका बाहर निकला मेम्ब्रेन फटने के बाद, तो क्या बाहर आपका 5 पीएच मेंटेन हो पाएगा, नहीं. तो आपके ये जो एंजाइम है ये क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं. अगर आप गूगल पर इसका आंसर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये बाहर भी एक्टिवेट रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है. बट ये बात पार्शली करेक्ट है, पार्शली रॉन्ग है. आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपने इमीडिएट सराउंडिंग वाली चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि समझ लो एक ऑर्गेनेल ऐसी है जो यहां कहीं पर प्रेजेंट थी, एक ऐसा पार्टिकल है जो यहां कहीं पर प्रेजेंट था. अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फटी और हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकल गया तो ये इस चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, ये इस चीज को डाइजेस्ट कर सकता है. लेकिन एक बार अगर ये इमीडिएट सराउंडिंग से बाहर निकल गया तो इसका पीएच जो है 5 नहीं रहेगा.
साइटोसोलिक कंटेंट इसमें जितना ज्यादा मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके पीएच को वो शूट कर देगा, इसके पीएच को वो राइज कर देगा. सो अल्टीमेटली योर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विल बिकम इनएक्टिवेटेड और ये पूरे सेल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. माना कि इसे सुसाइडल बॉडी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसके सारे एंजाइम साइटोसोल में रिलीज हो जाए तो पूरा का पूरा सेल आपका डीजेनरेट या डिग्रेड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो अगर आपके मन में ये मिसकंसेप्शन था तो आज इसे क्लियर कर लीजिए. अगर आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बाहर निकलते भी हैं तो ये आपके कुछ टाइम बाद इनएक्टिवेट हो जाएंगे, बिकॉज नॉर्मल पीएच इज इक्वल टू 5 यहाँ पर मेंटेन नहीं किया जा सकता है. ये आपका मेन कंसेप्ट था जो बताने के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको अल्टीमेटली ये सारी चीजें समझ में आ सके. सो लाइसोसोम, जिसे आप बोलते हैं लाइटिक बॉडी, ये आपका अगर फट भी जाए तो पूरा सेल आपका खराब नहीं होता. कुछ जो इमीडिएट सराउंडिंग में चीजें प्रेजेंट होती हैं वो बेशक आपकी डिग्रेड कर दी जाती हैं, लेकिन आपका जो अल्टीमेट सेल की कैपेसिटी है उसको आप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. सो दैट वाज द थिंग एंड आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल और ओजोन क्लासेस 2.0 नाम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लीज जाकर वहां पर कनेक्ट हो जाइए, जैसे कि आप किसी भी चीज को मिस ना कर पाए. Thank you so much guys, lots of love and I'll surely catch you in the next video. Thank you so much and stay tuned.